मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण में सोमवार को एक अजीब तरीके का वाकया सामने आया, जब प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर कार्यरत आरएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह और क्लर्क लोकेंद्र शर्मा आपस में उलझ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। पूरा मामला महेंद्र नामक युवक के भूखंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लोकेंद्र शर्मा महेंद्र की पैरवी कर रहे थे। महेंद्र के भूखंड का विवाद पिछले 5 महीने से लगातार चल रहा था, जो आज अचानक हाथापाई में बदल गया। वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण के भवन में दोनों के बीच हुई हाथापाई के बाद प्राधिकरण के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी लोकेंद्र शर्मा संभागीय आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे, जहां डीसी को ज्ञापन देकर आरएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। डीसी साहब के पास गए और नियमानुसार कार्य करने के लिए उनको निवेदन किया गया। मूल आवंटी भी साहब था, काफ़ी टाइम से परेशान था, सारे नियमानुसार कार्य कागजात पत्रालय में थे, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि एक बार पट्टा जारी होने के बाद लीज डेट जारी नहीं होगी, जबकि परंपरा यह है कि मूल आवंटी से जो पहले पट्टे जारी हुए हैं उसको लेके और लीज डेट जारी होती है, ताकि उसको जो आवेदक है उसको राहत मिल सके, उसको लोन मिल सके, वो रजिस्टर्ड हो सके। पट्टा उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता एक बार पट्टा जारी होने की आवेश में आ गए, आर्ग्यूमेंट करने लगे और मेरे संग मारपीट। कौन थे वो? श्रीमान इंद्रजीत सिंह जी, उपायुक्त उत्तर। आपने संभागीय आयुक्त से क्या यही कहा है कि जांच की जाए और उनको पाबंद किया जाए, मेरे को धमकी देगी, भविष्य खराब कर दूंगा, तो ऐसा